बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है कैसर, आप देख रहे हैं टेक्निकल कैसर। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोगों को पता है, न्यूज में भी आप लोगों ने सुन लिया होना है कि पीटीए ने पबजी को बैन कर दिया टेम्पररी तौर पे। ये बैन हो चुकी है आज, तो ये प्रेस रिलीज की है पीटीए ने, जिसमें ये वादे तौर पर बताया गया है कि पबजी जो है पाकिस्तान के अंदर बैन हो गई है। तो अब आप लोगों के जेहन में ये क्वेश्चन होगा कि ये क्यों बैन क्यों हुई है, ये क्या इशू बने हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये पबजी जो है ये बैन हो गया, अभी टेम्परेरी तौर पे इसको ब्लॉक किया गया। दो चीजें हैं जो मैं आपको बताना आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब एक नंबर वन, तो ये अभी टेम्परेरी तौर पे ये हुई है बैन हुई है पाकिस्तान के अंदर। नंबर टू पे पीटीए ने, पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियली इस चीज के रिलेटेड अपनी ईमेल जो है वो आवाम को प्रोवाइड की है कि 9 जुलाई तक अगर पबजी के रिलेटेड कोई भी आपके कोई कहले के पॉजिटिव व्यूज हैं, कोई नेगेटिव व्यूज हैं, कोई, क्योंकि हर बंदे का अपना व्यू होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो भी व्यूज हैं आप इस पे, इस आईडी पे ईमेल सेंड करें हमें, क्योंकि वो पीटीए चाहता है, गवर्नमेंट चाहती है कि वो आवाम के भी व्यूज ले कि आया कि ये कंप्लीटली बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वो गैदर करेंगे सारी आवाम की इंफॉर्मेशन जो जो हर बंदे के माइंड में है। तो ये ईमेल जो है ये पीटीए ने प्रोवाइड की है कि आप 9 जुलाई तक हमें ईमेल जो है वो सेंड करें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्यों ये बैन हुई है, पीटीए ने क्यों इसको बैन किया है। तो फ्रेंड, एक माह पहले लाहौर हाईकोर्ट के अंदर एक बंदे ने एप्लीकेशन दी थी कि ये पबजी जो है ये पाकिस्तान के अंदर बैन होनी चाहिए, और लाहौर हाईकोर्ट को काफी ज्यादा जो है कंप्लेंस मिली हैं इसके अगेंस्ट, ये पबजी के अगेंस्ट। तो ये लाहौर हाईकोर्ट ने फिर क्या किया, ये केस जो है वो लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीए को डिलीवर किया कि पीटीए जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, वो जितनी भी पाकिस्तान के अंदर कोई साइट है, कोई कह रहे के कोई फौशा साइट है या कोई ऐसी साइट है जो पीटीए को लगता है कि ये पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, तो सारी ऐसी साइट जो है वो पीटीए बैन करता है, सारे सर्वर को पीटीए ब्लॉक करता है। पाकिस्तान के अंदर कौन सा कंटेंट चलना है, कौन सी साइट चलनी है, ये पीटीए जो है वो इस चीज को मैनेज करता है, इस चीज को कंट्रोल। लाहौर हाईकोर्ट ने क्या किया, ये पीटीए को डिलीवर किया ये केस के वो खुद इसको जज करे और इस पे डिसीजन ले। तो आज पीटीए ने एक प्रेस रिलीज की है जिसमें उसने इसको बैन किया है, टेम्परेरी तौर पे बैन हुई है। तो इसकी थोड़ी सी मैं डिटेल आपको बताता चलूं। पीटीए ने ऑफिशियली इसकी बहुत सारी रीजंस बताई हैं कि ये इसको बैन करने की वजह क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं, जिसमें उसने ये भी बताया है कि ये एडिक्टिव है, ये जिसको हम देसी जबान में कहते हैं पोस्ट जिसको बोलते हैं, ये वो चीज है कि जैसे जैसा कि मतलब के कह लेंगे आप 15 से 16 साल के जो बच्चे हैं सारा सारा दिन, मैं ये खुद देखा है, मैं ये बिलीव भी मैं ये खुद अपने माशरे में अपने मोहल्ले में ये चीजें देखी हैं कि सारा सारा दिन लोग कारोबार भी कर रहे हैं और कंप्यूटर में बैठे हुए, मोबाइल के अंदर बैठे हुए, ऑनलाइन सारा सारा दिन पबजी खेली जा रहे हैं। ये मैं खुद मुशाहिदा किया है, इतनी ये एडिक्टिव चीज है। और पीटीए ने बताया कि ये एडिक्टिव की वजह से और बच्चों की हेल्थ पे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से उसने इसको बैन किया। और फ्रेंड, लाहौर पिछले दिनों से, ये तकरीबन एक दो माह से लाहौर के अंदर बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिनमें बहुत सी कंप्लेन आ रही हैं, सुसाइड की बहुत कंप्लेन आ रही हैं कि बच्चे जो हैं सुसाइड कर रहे हैं, कि इसके अंदर मिशन जो होता है वो टास्क मिलता है वो कंप्लीट नहीं कर पाते और अपनी जान को खत्म कर देते हैं। और आज एक न्यूज रिपोर्ट हुई है कि 22 साल का कोटा के अंदर एक यंग मैन है जिसने सुसाइड किया, इसी वजह से सुसाइड किया कि ये पबजी के अंदर उसको मिशन मिला है वो उससे कंप्लीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसने अपनी जान दे। प्लेड अननोन बैटल ग्राउंड, ये पबजी की कहले के एक्सटेंड फॉर्म है, पबजी जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है। हमारे लाहौर के एसपी साहब हैं, उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको पता चला कि लाहौर में सुसाइड हुआ है, लास्ट वो 16 साल जो बच्चा है उसने क्या किया, उसकी जो डेथ बॉडी है वो उसके साथ बेड पे मोबाइल मिला है, उनको उनकी टीम को, एसपी साहब की टीम को मोबाइल मिला और उस मोबाइल के अंदर ऑनलाइन ये पबजी गेम जो है वो ऑन थी,
ड्यूरिंग द डेथ ऑफ डेड बॉय। तो पीटीए ने अपनी ऑफिशियल जो है ये प्रेस रिलीज में ये भी बताया कि इसकी जो हेयरिंग है वो 9 जुलाई को है, ये कमिंग जो 9 जुलाई आने वाली है इसको हेयरिंग है इसकी, और अभी टेम्परेरी तौर पे इसको ब्लॉक किया गया। दो चीजें हैं जो मैं आपको बताना आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब एक नंबर वन, तो ये अभी टेम्परेरी तौर पे ये हुई है, बैन हुई है पाकिस्तान के अंदर। नंबर टू पे पीटीए ने, पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियली इस चीज के रिलेटेड अपनी ईमेल जो है वो अवाम को प्रोवाइड की है कि 9 जुलाई तक अगर पबजी के रिलेटेड कोई भी आपके कोई कह लेंगे पॉजिटिव व्यूज हैं, कोई नेगेटिव व्यूज हैं, कोई, क्योंकि हर बंदे का अपना व्यू होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो भी व्यूज हैं आप इस पे, इस आईडी पे ईमेल सेंड करें हमें, क्योंकि वो पीटीए चाहता है, गवर्नमेंट चाहती है कि वो अवाम के भी व्यूज ले कि आया कि ये कंप्लीटली बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो गैदर करेंगे सारी वाम की इंफॉर्मेशन जो जो हर बंदे के माइंड में है। तो ये ईमेल जो है ये पीटीए ने प्रोवाइड की है कि आप 9 जुलाई तक हमें ईमेल जो है वो सेंड करें। और रही बात ये कि कुछ बंदे सोचेंगे आपके ये वीपीएन का यूज करें, तो वीपीएन मेरे दोस्तों, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वीपीएन जो है ना वो कह लें कि छोटी मोटी साइट है, जो लाइव स्ट्रीमिंग है यूट्यूब वगैरह या कोई और साइट है, उसको चलाने के लिए अनफ है, मेरा ये मानना है। और जो गेम्स हैं, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जो है, ये गेमिंग के लिए वीपीएन जो है ना ये जवाब दे देगा, ये इसके साथ आप इसको पबजी को नहीं खेल सकते हैं, या तो वेट करेंगे कि ये कम्प्लीटली बैन खत्म हो, तो या फिर आपको कुछ और ढूंढना पड़ेगा। तो फ्रेंड अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अलग।